अज का जिहड़ा इत्थे चंडीगढ़ 17 सैक्टर दे विच नीलम सिलमे दे सामने प्रदर्शन रखिया गया। यह दास्तान ए सरहंद फिल्म जिहड़ी आ रही है ओहदे रोस वजो रखिया गया, क्योंकि उस फिल्म दे विच छोटे साहबजादियां दा जिहड़ा किरदार है ओह एक बच्चे वालों किया गया, जिहदा कि प्यो आप खुद सोशल मीडिया ते गल मन रहे है। तो पंजाब दे बाकी बाकी जगह च बहुत सारिया जगह दे विच ए लगातार रोस प्रदर्शन हो रहे हैं। हुण खबर जम्मू तो आ रही सी, जम्मू च भी सिनेमेघरां नूं मंग पत्र दिता गया भी ये फिल्म ना दिखाई जाए। सिख अपने पद्धर से जिथे भी सिख भाईचारा दुनिया च वस रहा है वो अपने पद्धर से इस फिल्म का विरोध बहुत भरमे रूप दे विच कर रहे हैं। देखो जदों इहदा ट्रेलर रिलीज हुंदा तां उस दिन गुरप्रीत घुग्गी हुणा दा सीगा वी सानू श्रोमणी कमेटी ने लगातार मोनीटरिंग कीती है। ओह फतेहगढ़ साहब तों किसे गिल भाई साहब कह के संबोधन हुंदे ने तां कहिंदे वी उहनां ने साडी मोनीटरिंग लगातार कड़ी का काम है जिहड़ा वह करते रहे। तो उस तो बाद श्रोमणी कमेटी ते सिख संगत ने जदों इस गल दा फिल्म दा विरोध करना शुरू किया, संकेतक रोस प्रदर्शन किए, तो श्रोमणी कमेटी ने नोट्स लिया, प्रधान साहब ने बयान लवाया कि इस फिल्म नू कोई भी प्रवानगी नहीं दिती। पर उस तो बाद फिल्म वालियां वल्लों लगातार ये गल अंदर खाते चलती रही भी साढ़े कोल पुख्ता सबूत ने, पर वह सबूत 24 तरीक का बयान श्रोमणी कमेटी का आया होया, पर वो सबूत हजे तक उन्होंने नशर नहीं किए। जो नशर कर दे तां असी उन्हां दा भी स्वागत करदे, तां उहदे च जे श्रोमणी कमेटी ने प्रवानगी दित्ती होंदी तां असी श्रोमणी कमेटी नूं दुबारा घेरदे। पर अज जदों हुण दुबारा प्रधान साहब नूं मिले आ चंडीगढ़ 5 सैक्टर दे विच, तां उन्हां इस फिल्म ते पंजाब सरकार नूं पूर्ण तौर ते रोक लाउण दी जिहड़ी गल है उह कही है। एक किया भी इस संबंधी मैं पक्का जिहड़ा बन है इस फिल्मां जिहड़ियां आउंदियां ने लगातार श्रोमणी कमेटी का नाम लिया जाता भी फलाने बंदे ने कहा सीगा जी फलाने तो असी प्रवानगी ली है, तो वह कहिंदे भी ये गलती दोबारा नहीं असी करांगे, असी चार साहबजादियां वेले गलती कर ली है वह चला के उन्हूं प्रवानगी दे के, तो हुण ये बन नूं असी पक्की तरह बन के तो इहदे ते पक्के तौर पर श्रोमणी कमेटी वल्लों मता जिहड़ा उह पास करावांगे। देखो ये ढंग जिहड़ा तरीका तुसी गल करदे ये जिहड़े बंदे मॉडर्न एजुकेशन दे विच पढ़े जिहड़ी वैस्ट दी एजुकेशन है ओह धर्म नू एक प्रचार दी निगाह दे नाल देखदे, ते धर्म कदे भी प्रचार दी निगाह दे नाल नहीं हुंदा। हाँ साढ़े बंदे हमेशा धर्म नू कंपैरेटिव रिलीजन के तौर पर देखते हैं भी जे वह प्रचार कर रहे तो असी करना, सानू अपनी परंपरा के अनुसार प्रचार का तरीका अपना चाहिए, ना कि जिहड़ा मॉडर्न जिहड़ा वर्ल्ड दे विच चल रहा सनैरी है उहदे अनुसार करना चाहिए। मीडिया का युग है, तुसीं मीडिया दे रूबरू हो गए, गल तुहाडी आऊगी जे विरोध किया जा रहा मीडिया का किया जा रहा, टेक्नोलॉजी नू अपनाउणा गलत है धर्म दे नाल? टेक्नोलॉजी नू अपनाउणा गलत नहीं है, साडियां जिहड़ियां जिस गल दा इंपैक्ट छोटे साहबजादियां दा किसी बच्चे दे जीवन दे उत्ते इंपैक्ट क्या पैंदा जां पंजाब दी धरती दा इत्थों दे रहिण सहिण दा इंपैक्ट क्या पैंदा, तुसीं उस गल नूं फिल्म राहीं लै के आओ। पर इह घुग्गियां गिटारां हर वेले जिहड़ा साडी परंपरा दा बहुत पूजनीक जां साडी परंपरा दा विरासत दा एक मील पत्थर है जां थम है धुरा है ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਚਰਜ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢੇ ਉਹ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮੋਢ ਬੰਨਿਆ। ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰਗੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ, ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
वो जो नॉर्मलाइज करते करते फिर मूविया वाल ज हौली हौली चीज़ों वाल वधदा जा रहा है तो उन्दे च सानू जिहड़ी साडी परंपरा है जिहड़ा महाराज का सिधांत वो विसरदा जा रहा उहदा उदाहरण है वी अज तुसीं आम घरां दे विच देखो जां दुकानां दे विच वेखो सामने मालावां टंगीचणा शुरू हो गईआं ने पूजा होनी शुरू हो गई वह बड़ा गलत कंसैप्ट है वह सिखां दा सिधांत नहीं है साडा सिधांत सिर्फ शब्द का है प्रचार के बड़े होर ढंग ने वह किए जा सकता जिहड़े कि सही ने क्योंकि कोई आम बंदा जां साडी सोच जां किसी डायरैक्टर की सोच जिहड़ा महाराज उन साहिबजादियां दा जां शहीदां दा किरदार सी उहनां दा जीवन सी वह भी हर बंदा सोच सकता पर उत्थे तक पहुँच नहीं सकता जां उहनां नूं एक लिमिटेड दायरे तक करना वह भी ठीक नहीं है तो असी भी ये भी इस गल का भी खिलाफ हाँ भी ये गल नहीं होनी चाहिए होर जो ढंग तरीके ने लभने चाहिए ने जो प्रचार देने तो सिखी का सही सिद्धांत भी ये वे कहता भी सानू अपने पहले जीवन च ज्यों के विखा के फिर अगे किसी प्रेरित कर सकते अं निरिया गलों ही आखी जाइए भी असी प्रचार कर रहे हैं जी ये कर रहे हैं तुहानू जो पता है तुसी एडे संघर्ष मां उन्होंने अपनी आप साहबजाद की गल करने भी उन्होंने सिख ही अपना सिदक नहीं छड़िया तो शहादत देतीया ने तुसी तो सियाने जिहड़े इन्हां दे डायरैक्टर ने जिहड़े अदाकारा ने पेश किया उन्होंने पहलो सवाल ये बनता है कि तुहानू जो सब कुछ पता तुसी नव्यां नूं तां की दसना जो तुहानू पता तुसी किन्ना कुछ अपना लिया जिहड़े असी प्रचार की गल करने भी किसी करके विखावांगे तां ही इन्हां दीआं गल्लां मारन दे विच नाल कोई सिद्ध थोड़ा हो जाना भी जां ते असी करके विखाईए असी वो तो अज तक किया नहीं उन्होंने अपना धर्म नहीं छड़िया सब कुछ नहीं छड़िया हालांकि उन्होंने लालच तो सब कुछ मिलते हैं भी तुम छड़ो तो सब कुछ मिलता है तो उन्होंने नहीं छड़िया उन्होंने करके नहीं भी जी गल ठीक है सिद्धांत सिद्धांत गल है तो उन्हें तो उन्होंने कैमरा होकर विखाया सानू उस चीज़ों से चलन की लड़ है भी असी अपना जीवन ज्यों के विखाइए अपने आप को बेहतर करिए ना कि आ गलों से उलझिए फिरीए तो अपने सिर्फ पैसा बनाने की खातर जो कि अज इंडस्ट्री सिर्फ अपनी ये किसी का कोई प्रचार की गल नहीं रह गई है उन्होंने दिसदा 5-7 करोड़ ला के भी इन्हें 10 करोड़ ला के सानू एक मूवी इन्नी तैयार हो रही तो 70 करोड़ बन रहा कमरशलाइज हो रहा है इस तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है प्रचार की गल है तो थोड़े समय बाद ही अजी कोई ना कोई फिल्म सामने आ जाती है जो विरोध होंगे बिल्कुल जी लगता है भी ये मामले से कोई ना कोई बोर्ड तैयार होना चाहिए सिख बुद्धिजीवी लैके बिल्कुल जी असी अज मिले सतामी साहब नू जिहड़े SCPC दे प्रधान ने ते उहनां नाल भी ये विचार चर्चा हुई ते उहनां भी ये गल कही भी जदों साडा कोई इहदे च कंसैप्ट ही नहीं आ क्योंकि मते भी पए होए ने श्रोमणी कमेटी दे ने ते अकाल तख्त साहब दे हुक्म भी ने भी बुत पूजा ते इहनां दे खिलाफ मूवियां ते भी बड़ा उहनां दा सख्त स्टैंड है मते पए होए ने ते उहदे विचों कहिंदे ने भी जदों साडी रवायत ही नहीं है ना असी इधर जाणा है ते सानू उहदे विच एडा वड्डा पत्र बोर्ड जां उहनां नूं बणाउण दी की लोड़ है उहनां दे होर स्कॉलर जां किताब विवरण करन दी जां चैक करन दी चीज़ां ने वह बोर्ड बने हुए ने जो ये गल का खंडन ही असी करने शुरू तो सानू बोर्ड बनाने की जरूरत नहीं तो इन सख्त फैसले हुण ते इन्हां नूं कोई ना कोई राह इख्तियार करके श्रोमणी कमेटी को भी उन्हें तो पहले ही थप्पा ला दिता जाए ता कि अगों तो आने वाले हर कोई डायरैक्टर है भावें कोई भी बंदा है उन्होंने पता हो भी ये चीज़ एवें नहीं हो सकती है तो जिहड़ी गल रही प्रचार दी सिख जथेबंदियों जां अलग अलग संस्थावां कर भी रही ने तो होर भी असी कहांगे भी जिहड़ा कोई होर वै बेहतर तरीके नाल गुरु पंथ की मर्यादा के अनुसार कर सकता तो वह बिल्कुल करे उन्दे लई सारयां दे राह खुले ने किसी ने कभी डक्या भी नहीं है जी देखो जी उन्हें बड़े थावां ने उन्हें मिस किया भी है पहले जिवें 4 साहिबजादे उन्हें प्रवानगी दी भी है इस गल की कुछ हद तक पर अज असी जदों इस गल की SGPC के प्रधान नूं मिले उन्हें इस गल नूं कहा भी जे साडे तों पिछे गलती होई है तो असी अगे गलती नहीं दोहरावांगे जे कुछ चीज़ां गलत हो गई ने तो आपां हुण सही करन वाले पासे जाणा जां हुण पिछले नूं फड़ के बैठी रही उहदा ते कोई मसले दा हल नहीं है भी सानूं समें नाल चीज़ां हुण भावें फोटोआं दा सानूं उहदे ते भी विचार करनी चाहीदी सारयां नूं रल मिल के मंग तो वे भी अज SGPC जिहड़ा सिखां दा सेंट्रल बॉडी है उहदे वल्लों भी उहनां हुक्म यह भी करता बयान भी आ गया भी असी इस गल सरकार तो भी की उन्हें आप भी खंडन करता है भी असी इन्दे नाल सहमत नहीं असी इन्दा विरोध करने हैं तो असी अपने तौर पर सिख पंथ के तौर पर जिन्ना साडी समर्थ है जिन्ना कुछ असीं समय रखने उस बतौर पर असी भी इस चीज़ का विरोध करते हैं तो असी अगों भी सरकार तो साडी जथेबंदियों तो अथॉरिटी तो सारे नाल भी इस चीज़ों तो विकताई की जाए भी एवें दी चीज़ां नूं लैके आने तो